देखो गाइस, यहाँ पर यार गोला नदी में ऐसे अवैध निर्माण बनाएंगे तो सरकार तो तोड़ेगी ना उनको, है कि नहीं। देखो इस तरीके से पक्के घर बना दिए, देख रहे हो तुम, पूरा ईटा ईटा डाल के। ये अंदर देखो, कमरा भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ, ये देखो, ये है भाई, यहाँ पर हो रही लेंटर की तैयारी। अब कुछ दिन में यहाँ पर लेंटर पड़ जाएगा। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियोस के साथ। आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी शहर से। हल्द्वानी शहर के गोला नदी से आज राजपुरा से जो रास्ता आता है गोला नदी, वहाँ से करेंगे। वहाँ पर जो ये राजपुरा का जो भी अतिक्रमण है सारा कुछ दिखाएंगे और यहाँ के लाइफस्टाइल भी सब कुछ दिखाएंगे। अभी मैं इस वक्त खड़ा हूँ जहाँ पर ये गोला से सारे कुछ ट्रक वगैरह जो बजरी से भर के आते हैं, आप पीछे देख रहे होंगे जंगलात विभाग का टोल टैक्स है, यहाँ से रोल्टी वगैरह कटती है। और इधर साइड को आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ को ये गोला चली जाती है और यहीं से ट्रकों का जो भी बजरी रेता का काम होता है यहीं से होता है। तो यहीं से वीडियो की शुरुआत करेंगे। अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक कमेंट करें। चलते हैं वीडियोज़ की ओर। तो गाइस अभी यहाँ पर मैं राजपुरा के ठीक वाला ये वाली गली में खड़ा हूँ। ये साइड को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर काफ़ी ट्रकें हैं, इनका वजन वगैरह जो है सब यहीं पर होता है। और इसके बगल का नज़ारा मैं दिखा देता हूँ, वो देखिए गोला सामने समीप एकदम। आजकल इतनी गर्मी है यहाँ पर, बहुत ही धुंधलापन आपको दिख रहा होगा। और इसके बगल में ही है ये लोगों के घर, ये अतिक्रमण। ये देखिए यहाँ पर ऐसी झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, तो वो सारा कुछ मैं आज आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर एक अंदर चल के मैं दिखाता हूँ जरा। ये देखिए यहाँ लोगों ने इस तरीके से यहाँ पर घर बनाए हैं, गली से बना रखी। देखो ये है भाई गलियाँ यहाँ की राजपुरा की। ये देखो यहाँ अंदर देख रहे हैं आप, पता नहीं क्या क्या रखा है लोगों ने। देखो ये, देखो ये नज़ारे हैं, जरा अंदर और चल के दिखाते हैं यहाँ और क्या है यहाँ पर। कोई रहता भी है यहाँ या फिर ऐसे खंडहर ऐसे ही पड़ा हुआ है, जानवर वगैरह रहते हैं शायद यहाँ पर। ये देखिए, ये देखो पीछे का एरिया मैं जरा दिखा दे रहा हूँ। यहाँ तो एक गेट लगा हुआ है और यहाँ देखो ये खाली पड़ा है यहाँ पर घर। कुछ लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं, मैं जरा दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखो भाई, ये लाइफ स्टाइल है यहाँ की। पता नहीं कौन रह रहा है यहाँ पर, कौन रह रहा है यहाँ पर। ये आप रहते हो यहाँ पर, कौन सोता है, आप लोग सोते हो? नहीं। आपका घर कौन सा है, ये वाला? यही है। अच्छा, कितने लोग रहते हो आप यहाँ, कितने परिवार है यहाँ पर? ये खेती किसकी है यहाँ पर, किस चीज की खेती है ये? ये वाला, ये किस चीज की खेती है पता नहीं। अच्छा, कहाँ है, काम पे गए हैं क्या आपके पापा? पापा है। तो यहाँ देखो इस तरीके से ये लोगों ने यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बना रखी हैं और ऐसा रहते हैं। देखो इन्होंने पक्के वो भी बना रखे हैं यहाँ पर। ये देखो ये वाशरूम है इनका पक्का। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से गोला के किनारे अतिक्रमण करके रहते हैं। ये वन विभाग की जमीन है, देखो ऐसा कर रखा है लोगों ने। देखो ऐसे झुग्गी झोपड़े बना रखे हैं। ये देखो ये नज़ारे हैं भाई यहाँ के। अगर यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ पर जो छोटे से लेके बच्चे बड़े तक ना बिल्कुल आपको जाने नहीं देंगे। मैं कैसे भी जाके यहाँ पर वीडियोस बना रहा हूँ। ये देखो ये नज़ारे हैं भाई यहाँ पर, ये सारा अतिक्रमण है, सारा अतिक्रमण कर रखा है। ये लाइफस्टाइल है भाई इनकी यहाँ। और मैं थोड़ा नीचे को चल के दिखाता हूँ और यहाँ, और यहाँ का क्या सीन है। ये देखिए एक सामने भी है, ये देख रहे हैं आप, सामने भी यहाँ पर पक्के घर हैं। ये जंगलात विभाग की ज़मीन है और एक यहाँ पर ये घोड़े रखने वाला भी है। और सामने सारे भाई बुग्गी वाला, ये देखो ये एरिया है यहाँ पर, ये देख रहे हैं आप। देखो भाई, भाई आ गए बुग्गी लेके। क्या लेके आ रहे हो भैया, बजरी? कितना राउंड मार लेते हो दिन का, चार पांच? अरे बाबा, अच्छी कमाई कर रहे हो यार तुम, जो 15 राउंड लगा लेते हैं भाई बुग्गी से। और सर किस चीज की दुकान है, खाली नमकीन बस? सरकार कहाँ से देगी पैसा? अच्छा आप भी गोला में काम करते हो? अच्छा क्या काम करते हो गोला में आप? मजदूरी करते हैं। अच्छा ट्रक भरने का काम होता है। अच्छा ये आपका घर है? नहीं। आप कहाँ किराए पे रहते हैं? अच्छा अच्छा ये दुकान किसकी है फिर, ये खाली गुटका उटका? यहाँ पर कोई रहता नहीं है, कोई चुरा के ले जाएगा तो? अच्छा अच्छा ये आपका घर नहीं है, आपका घर है ये? अच्छा कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? ये दुकान भी आपकी है? क्या क्या बेचते हो, गुटखा, दिलबाग और बस इतना ही? कितने लोग रहते हैं यहाँ पर, काम क्या करते हैं यहाँ? गाड़ी चलाते हैं गोला में। अच्छा अच्छा तो यहाँ पर बारिश के दिनों में दिक्कत नहीं होती है? गर्मी कितनी होती है यहाँ पर, इतनी इतना गर्म हो रहा है, कैसे रहते हो आप लोग ऐसे टिन सेट में? लाइट पानी आता है सब कुछ, बिल हिल सब भरते हो?
अच्छा अच्छा तो कभी यहाँ पर हटाओ बचाओ अभियान नहीं करते हैं जंगलात विभाग वाले? कोई कुछ नहीं बोलता है? कब से रह रहे हो आप यहाँ? 35 साल हो चुके हैं। आप तो यहाँ नहीं रहते, आप कहाँ रहते हैं? अच्छा बगल वाला घर है। अच्छा 35 साल से आप रह रहे हैं। अच्छा आज काम पे क्यों नहीं गए फिर? अच्छा तबियत खराब हो रही है। अच्छा कितनी झोपड़ियाँ बनी हुई है यहाँ? ऐसे नए बने हैं या पुराने ही हैं ये सब? अच्छा नए नहीं बन रहे हैं यहाँ? अच्छा अच्छा चलो ठीक है। ये देखिए भाई कितना स्पीड से डैम्पर चला रहे हैं, और आगे का दिखाते हैं यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ। ये देखिए और आगे चल के मैं दिखाता हूँ यहाँ का क्या नजारा है। देखो यहाँ पर ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना, वो ऐसा कूड़ा बीन रहे हैं यहाँ से। देखो गोला में ऐसा होता है इनका रोजगार, क्या करेंगे, अभी गरीबी है। और सामने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम है, ये देख रहे होंगे आप। और इसके बगल का घर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है नज़ारे। क्या हो गया सर पैर में, क्या हो गया? कहाँ, कौन सी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया? कहाँ, किसने ठोक दिया? नहीं तो बचाने के चक्कर में खुद ही गिर गई है। अच्छा क्या काम करते थे आप यहाँ? अच्छा अच्छा ये घर आपका है? अच्छा कितना फ्रैक्चर हो रहा है क्या पैर? नहीं तो खाली गुम चोट आई है, सूजन की। अच्छा प्लास्टर कर रखा है, कच्चा प्लास्टर है? कच्चा प्लास्टर है। अच्छा चलो ये बच्चे भी, आप कहाँ रहते भाई, कहाँ? तो यहाँ किस, यहाँ किस लिए आया है? कबाड़ बीनने? स्कूल वगैरह नहीं जाता है? क्या नाम है तेरा? बबीत। देखो आंटी कितना अच्छा काम कर रहे हैं यार, प्यासे को पानी पिला रहे हैं, पुण्य। रोज आते हैं बच्चे। अच्छा रोज आते हैं? अच्छा रोज आते हो भाई तुम लोग? पानी नहीं है यहाँ, नल? नल है, शाम के टाइम आता है पानी, सुबह और शाम। लाइट आइट है घर पे? हाँ, लाइट है। अच्छा अच्छा शाम को आता है 6 बजे पानी। कितने नहीं बस बढ़िया था। कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? हमें यहाँ हो गए करीबन 10 साल। तो यहाँ पर गर्मी नहीं लगती आपको इस तरह से, इतना तपती गर्मी में? और क्या कहते हैं बारिश के दिनों में बारिश उग रहा। अच्छा ये फर्श भी आपका ही है इधर तक? चलो ठीक है अब आगे चलते हैं और दिखाते। देखो ये यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जीवन यापन है लोगों का। और आगे भी चलते हैं, यहाँ पर निर्माण हो रहे हैं पक्के निर्माण, वो सब दिखाएंगे हम आपको। जो अतिक्रमण हो रहा है ना सब यहाँ, ये देखो ये गलियाँ दिख रही हैं आपको, ये देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये भाई राजपुरा को चली जाती है रोड। और यहाँ पर बजरी का काम होता है। और सर कैसे हो, कहाँ को जा रही हो? अच्छा कौन सा घर है आपका सर? घर ऊपर है। ये घर किसका बन रहा है यहाँ? ये अवैध है या फिर क्या है? अवैध तो कोई हल्दवा नहीं। अच्छा यहाँ पर अभी यहाँ बना दिया, कोई मना नहीं कर रहा है? कोई तोड़ेगा तो बिना परमिशन का बना दिया। अच्छा और क्या चल रहा है गोला में, काम बढ़िया? घोड़े चल रहे हैं या फिर गाड़ियाँ? कितने घोड़े चल रहे हैं? एक घोड़े, एक ही घोड़ा चल रहा है? चलो ठीक है। कब तक है गोला अभी बंद? 1 महीना और पूरा रहेगा। चलो ठीक है और आगे चलते हैं, यहाँ दिखाते हैं भाई यहाँ क्या चल रहा है। देखो अतिक्रमण तो है ही है साथ में। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये गोला नदी है, यहाँ पर बन रहा है पक्का निर्माण। ये देखो आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर क्या बन रहा है बाबूजी, ये क्या बन रहा है, ये जो आप बना रहे हो पिंजरा या फिर टॉयलेट का वो गटर? अच्छा वॉशरूम का गटर बन रहा है? अच्छा अच्छा आप मिस्त्री हो या फिर मालिक भी हो? आप मालिक हो या मिस्त्री? नहीं नहीं आप नहीं, आप मिस्त्री है। आप भी काम करने वाले? अच्छा किसका घर है ये, यहीं लोकल वालों का है क्या? अच्छा कब से काम चालू हुआ इसका? अच्छा देखो गाइस यहाँ पर यार गोला नदी में ऐसे अवैध निर्माण बनाएंगे तो सरकार तो तोड़ेगी ना उनको, है कि नहीं? देखो इस तरीके से पक्के घर बना दिए, देख रहे हो तुम, पूरा ईटा ईटा डाल के। ये अंदर देखो कमरा भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो यहाँ ये देखो ये है भाई, यहाँ पर हो रही लेंटर की तैयारी। अब कुछ दिन में यहाँ पर लेंटर पड़ जाएगा और यहाँ पर एक आलीशान कमरा बन जाएगा गोला नदी में वो भी। ये देखिए ये हाल है भाई हल्द्वानी के। कितने कमरे बने हैं इसमें, एक ही बना है क्या? एक कमरा और ये लैट्रिन बाथरूम, ये भी नया बना है ना बगल में। आप ठेके पे हो या झाड़ी पे? अच्छा अच्छा तो क्या कहेंगे इस बारे में, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अब जैसे अगर कोई सरकारी आएगा कुछ तो तोड़ देंगे तो नुकसान किसका होगा? खाली बेमतलब में टूटा टूट जाएगा ना।
अब देखो ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, कल कोई यहाँ पर बना लेगा, कोई यहाँ पर बना लेगा। चो ये हाल है भाई यहाँ के। मिस्त्री साहब खुद ही कह रहे हैं यार नहीं बनना चाहिए, मगर उनको पैसा मिल रहा है तो वो तो बनाएंगे ना, क्यों दिहाड़ी से मतलब है। और यहाँ भी दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये घर ये भी है, ये देखिए ये देखो यहाँ तक ये पूरा अवैध है, देख रहे हैं आप इस तरीके से नज़ारा है यहाँ का। और अब आगे को चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का और क्या हाल। यहाँ के साइड देखिए, ये देखिए ये पूरे यहाँ पर अवैध निर्माण है, बनते जा रहे हैं यहाँ पर, नए घर भी बन रहे हैं, पुराने घर भी बन रहे हैं, तो ये हाल है यहाँ के। तो वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, चैनल में आप अगर नए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आगे सामने का व्यूज ना एकदम धुधला दिख रहा है आपको, शायद थोड़ा आजकल गर्मी है तो उस वजह से ना आपको दिख नहीं रहा, यहाँ गंदगी इतनी है, देखो पूरा गंदगी का अंबार का पूरा, ये देखेंगे ना पूरा गंदगी का अंबार है देखो सामने तक, ऊपर को तो पहाड़ बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, सामने का थोड़ा सा स्टेडियम दिख रहा है, पानी तो बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पर, बिल्कुल ख़त्म हो गया है पानी। इसका ये प्लॉट मैं बना लूँ क्या, इसमें एक झोपड़ी खाली है, है किसका ये आपको नहीं पता, अच्छा तो देखो यहाँ एक प्लॉट भी बिक रहा है भाई, जिसको अतिक्रमण करना है आ जाओ यहाँ, यहाँ प्लॉटिंग भी हो रही है देखो गोला पे, ये देख रहे हो आप, एक प्लॉटिंग दो प्लॉटिंग तीन प्लॉटिंग यहाँ पे प्लॉटिंग भी कर रखी है भाई लोगों ने। और ज़रा आगे चल के दिखाते हैं और यहाँ पर क्या है, ये नज़ारे हैं भाई यहाँ। सोच रहा हूँ यार मैं भी यहाँ पर एक प्लॉट व्लॉट दो तीन प्लॉटिंग कर लूँ और बेच डालूँ उसको। तो ये नज़ारे हैं यहाँ के, और यहाँ पर कुछ लकड़ियाँ भी इन्होंने रखी हुई हैं, ये देखो। तो यहाँ पर ये कुछ लकड़ियाँ ना ये लोग पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं, ये सब जो ये लकड़ियाँ हैं ना ये जब रानी बाग से जो अंतिम संस्कार होता है उसकी बही हुई जो लकड़ियाँ हैं वो यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर एक और प्लॉट एक घर और भी बन रहा है यहाँ पर, ये देखो इसकी बुनियाद लगभग खींच दी है ये लोगों ने। तो गाइज ये नज़ारे हैं यहाँ के, तो भाई काफ़ी दयनीय स्थिति है और सामने का नज़ारा एकदम आप देख पा रहे। तो गाइज वीडियो कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा, यहाँ पर पक्के निर्माण भी हो रहे हैं सारा कुछ मैं आपको बताया यहाँ पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो ज़्यादा शेयर करें, पीछे का एरिया देख रहे हो सब अतिक्रमण युक्त एरिया है, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर। आज मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए आया था, अब तोड़े ना तोड़े सरकार का काम है, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। तो मिलते हैं नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए भाई बने रहे मेरे चैनल में, जय हिंद वंदे मातरम।